दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड मार्केट में जबरदस्त है। हर घर में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे इसकी डिमांड है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप 40 से 50 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस को अगर आपको शुरू करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों वो बिजनेस आइडिया है पेस्ट कंट्रोल बिजनेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, कितने तरीके की सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती है, कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जब तक धरती पे कीड़े मकोड़े रहेंगे तब तक पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में खटमल हो, कॉकरोच हो, मक्खियां बिनबिनाए, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हो, क्योंकि एक तो इनसे गंदगी फैलती है और साथ ही साथ बीमारियां भी होती है। तो दोस्तों हर आदमी चाहता है कि उसका घर क्लीन हो, ऑफिस क्लीन हो, इसीलिए पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस सिर्फ ऑफिस या घरों में यूज नहीं होता, ये खेतों में भी यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे कि खेतों में भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे टिड्डे आए और पूरे के पूरे खेत को बर्बाद कर दिया, तो वहां पे भी पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको डिसाइड करना होगा कि वो किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया में या फिर कमर्शियल एरिया में या फिर जो फार्मिंग का एरिया रहता है वहां पे वो सर्विस देना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में या फिर कमर्शियल एरिया में पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितने प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तीन तरीके की सर्विसेज दे पाएंगे। सबसे पहली पेस्ट रिमूवल। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे, जहां कहीं भी आप ये सर्विस देने वाले हैं वहां पे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु ऑलरेडी लगे हुए होंगे, आपको उनको हटाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में बहुत सारे कॉकरोच हो गए और वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको ये सर्विस उनको देनी होगी और जितने भी कॉकरोच है उन सबको आपको उस घर से हटाना होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग कॉकरोच, खटमल, दीमक, मच्छर, चूहे, इन सब के लिए सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप तीन मेथड से ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली, केमिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा पेस्ट प्रिवेंशन। दोस्तों आपने ये फ्रेज जरूर सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके की सर्विस में आप उन कारणों पे काम करते हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े, जीव जंतु पैदा हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो खाली पेस्ट रिमूवल सर्विस से जाते नहीं है, कुछ टाइम के बाद में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं तो दीमक, खटमल, ये ऐसे होते हैं कि मतलब आपने एक बार पेस्ट रिमूवल किया उसके बाद में एक महीने, दो महीने बाद ये फिर से हो जाएंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए, मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब हमें के लिए मिटाने के लिए आपको पेस्ट प्रिवेंशन सर्विस भी प्रोवाइड करनी होगी। इस सर्विस को आप बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा हाइजीन कंट्रोल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सर्विस है करंटली बहुत ज्यादा डिमांड में है, इसको सैनिटाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। आप खुद जानते होंगे, जहां कहीं भी पब्लिक गैदरिंग होती है जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, ट्रेन, फ्लाइट, इन सारी जगहों पर रेगुलर बेसिस पर सैनिटाइजेशन करना पड़ता है। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सर्विस भी आप प्रोवाइड कर पाएंगे। दोस्तों आप ये तो समझ गए इस बिजनेस में कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। तो उन केमिकल्स का इस्तेमाल वही इंसान कर सकता है जिसने ट्रेनिंग ली हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है IPCA, उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास के किसी भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस या इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आप किसी ऐसे आदमी को हायर कर सकते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। टोटल तीन तरीके के लाइसेंस हैं, लेकिन तीनों लाइसेंस अलग अलग चीजों के लिए यूज आते हैं। मैं तीनों के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहला है लाइसेंस फॉर सेंट्रलाइज्ड इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी, दूसरा लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स इंसेक्टिसाइड, तीसरा लाइसेंस टू सेल, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड ये तीन तरीके के लाइसेंस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप खाली पेस्ट कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको पहला लाइसेंस लेना पड़ेगा,
और अगर आप चीजों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपको सेकंड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और तीसरा लाइसेंस उन लोगों के लिए जो लोग सेल करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन लोगों को तीसरा लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आप खाली पेस्ट कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी। तो दोस्तों आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस को शुरू करने के लिए तो और भी जो दूसरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनकी भी जरूरत आपको पड़ने वाली है, जैसे कि कंपनी रजिस्टर करना, जीएसटी नंबर लेना, करंट अकाउंट खुलाना वगैरह वगैरह। अब दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया को या फिर कमर्शियल को। दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि आपको सबसे पहले रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियली नए लोगों को काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी काम देने से पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करती है कि जिस कंपनी को काम दिया जा रहा है उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे ट्रेंड है या नहीं है, तो बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। लेकिन रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है, आपको इजीली काम मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा सजेशन होगा कि अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट करना चाहिए, उसके बाद में आप कमर्शियल और कॉर्पोरेट पार्क्स को भी टारगेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में तरह तरह के केमिकल्स आते हैं। अगर आपको कॉकरोच को भगाना है तो उसके लिए अलग केमिकल आता है, दीमक के लिए अलग आता है, खटमल के लिए अलग आता है। तो दोस्तों मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो ऐसा केमिकल भी बनाती है जिससे एक ही केमिकल से आप बहुत सारे जानवर को भगा सकते हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा केमिकल खरीदना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको बहुत सारे केमिकल के नाम पता चले, लेकिन उनका नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर मैं नाम बताऊंगा और किसी ने डायरेक्टली वो केमिकल खरीद लिया और बिजनेस शुरू कर दिया तो ये गलत होगा, इसीलिए मैं नाम सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको खुद को ढूंढना है आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी प्राइस शुरू होती है 200 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में। मैं आपको बताना चाहूंगा केमिकल जितना महंगा होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों आपको स्प्रेयर की जरूरत पड़ेगी, डस्टर की जरूरत पड़ेगी, केमिकल मास्क, वैक्यूम, यूनिफॉर्म, ट्रैपर, ग्लव्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स भी आपको खरीदनी पड़ेगी जो आपको पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में काम आने वाली है। अब दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमको कहां से मिल जाएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपने आसपास से भी खरीद सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से भी खरीद पाएंगे। इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर इनके डिटेल्स मिल जाते हैं। तो आपके लोकेशन के आसपास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सप्लायर होगा या फिर मैन्युफैक्चरर होगा उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस बिजनेस को इजीली 40,000 से 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी इस अमाउंट में आ जाएगी, आप इजीली इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास और थोड़ा पैसा होना चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सको। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका 40,000-50,000 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे की और जरूरत होगी। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको कम से कम 1,00,000 रुपए का टारगेट लेके चलना चाहिए, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है आप जानना चाह रहे होंगे कि पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर 60 से 65% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। मान लीजिए आपको पूरे महीने में 10,00,000 रुपए का सेल मिलता है तो उसमें से 6,00,000 रुपए से लेकर 6,50,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, जिसमें से आपको खर्चे निकालने होंगे, जैसे कि आपका रेंट, सैलरी, इसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको निकालनी होगी। और दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आपके पास कम से कम 25 से 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो दोस्तों अगर आप एक महीने में 10,00,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो उसमें से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है 2,50,000 रुपए से 3,00,000 रुपए के बीच में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को अकेले भी कर सकते हैं, खाली आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और आपको लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद में अकेले भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप एम्प्लॉयज को रख सकते हैं। मान लेते हैं आपको पूरे महीने के अंदर 3,00,000 रुपए का सेल होता है, तो 3,00,000 रुपए अगर महीने में हो रहा है तो एक दिन का सेल हो जाएगा 10,000 रुपए। और दोस्तों पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के अंदर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका चार्ज आप लेते हैं 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के बीच में। तो अगर आप रोजाना के 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको कम से कम मान के चलिए 8 से 10 सर्विस तो कस्टमर्स को देनी पड़ेगी, और 8 से 10 सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कम से कम
तीन से चार लोगों की जरूरत होने वाली है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास चार लोग हैं और सारे के सारे ऐसे हैं जो ट्रेंड हैं, तो उनको आपको कम से कम 15,000 रुपये सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो चार जन का हो जाएगा 60,000 रुपया। मैं 20,000 रुपये पकड़ लेता हूँ रेंट का, तो हो जाता है 80,000 रुपया। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवलिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में पकड़ लेता हूँ 20,000 रुपया, तो टोटल हो जाता है 1,00,000 रुपया। मतलब दोस्तों अगर आप 3,00,000 रुपये का सेल करते हैं तो उसमें से 1,00,000 रुपये आपका खर्चा आने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है 60-65%, तो 3,00,000 रुपये का 60-65% हो जाएगा 1,80,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये के बीच में। तो 1,00,000 रुपये आप उसमें से निकाल दीजिए, फिर भी आपको आसानी से 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप कितने एम्प्लॉयज को रखेंगे ये डिपेंड करेगा आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।